टेंथ स्टैंडर्ड साइंस वन सेवन चैप्टर लेंसेज थर्ड वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोग, पेज नंबर 86 से कंटिन्यू कर रहे हैं, ह्यूमन आई एंड वर्किंग ऑफ इट्स लेंस। सो ह्यूमन आई क्या है और ह्यूमन आई में जो लेंस है, आंखों के अंदर जो लेंस है उसके बारे में। देर इज अ वेरी थिन ट्रांसपेरेंट कवर मेम्ब्रेन ऑन द ह्यूमन आई। ह्यूमन आई के ऊपर एक पतला सा ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है, कवरिंग है, ठीक है। ये कवरिंग को कहते हैं कॉर्निया। तो डायग्राम में देखते हैं समझने के लिए। देखो आंखों के आगे एक पतला सा मेम्ब्रेन है, इसे कहते हैं कॉर्निया, राइट। और ये जो पीछे फ्लैशी जैसा मटेरियल है इसे कहते हैं इरिस, IRIS। इरिस को आयरिस भी कहते हैं, इरिस भी कहते हैं। सम टीचर प्रोनाउंस इट आयरिस, सम टीचर कॉल इट इरिस, ठीक है। नेक्स्ट फिर यहाँ पर एक ओपनिंग है जिसे प्यूपिल कहते हैं, प्यूपिल। उसके पीछे एक क्रिस्टलाइन लेंस है जिसे आई लेंस कहते हैं। उसके ऊपर नीचे ये आई लेंस किससे होल्ड है, सिलरी मसल से। इधर सिलरी मसल्स और इधर भी सिलरी मसल्स। आयरिस जो है वो भी एक मसल्स है, ठीक है, फ्लैशी चीज़ है, मस्क्यूलर चीज़ है। और सिलरी मसल्स भी मसल्स है। सिलरी मसल्स आई लेंस को होल्ड करता है और आई लेंस की जो ओपनिंग है आगे का ओपन पार्ट इसे कहते हैं प्यूपिल और उसके आगे आयरिस। अभी हमारी आंखें अलग अलग लोगों में, किसी किसी की आंखें ग्रे होती है, किसी की नेचुरली ब्लू होती है, किसी की नेचुरली ब्राउनिश होती है। तो ये कलर अलग अलग लोगों में अलग अलग होता है। तो इस ये जो आयरिस होता है, एरिस भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, इस पर डिपेंड करता है कि आंखों का क्या कलर रहेगा, ब्लू है या ग्रे है या ब्लैक है एक्सेट्रा। ऑल राइट, सो ये सारे इम्पोर्टेंट्स कंपोनेंट्स हैं। तो सबसे आगे कॉर्निया, उसके बाद आयरिस, उसके बाद जो ओपनिंग है उसे कहते हैं प्यूपिल, ये ओपनिंग। ऑल राइट, उसके बाद आई लेंस इज होल्डेड बाय सिलरी मसल्स। ऑल राइट, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वाइल रीडिंग ये सारे टॉपिक्स आने वाले हैं। अच्छा, इसके अलावा ये जो पीछे स्क्रीन है इसे कहते हैं रेटिना, जिसपे इमेज फॉर्म होता है। रेटिना इमेज इस पर फॉर्म होता है। रेटिना कनेक्टेड है ऑप्टिक नर्व से। रेटिना में लाइट सेंसिटिव सेल्स है जो लाइट गिरते ही एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है, मतलब सिग्नल्स जनरेट करते हैं और ये सिग्नल्स ब्रेन तक ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू जाते हैं। सो दिस इज अ ह्यूमन आई, ठीक है। ये इंटरनल मतलब अंदर रियलिटी में ऐसी होती है ह्यूमन आईज। स्पेरिकल चीज ऑब्जेक्ट है आईज, हमारी आईज स्पेरिकल शेप की है, स्पेरिकल शेप जिसका डायमीटर अराउंड 2.4 सेंटीमीटर है। आगे होगा देखेंगे हम। अच्छा, बाहर से हमारी आंखें ऐसी दिखती है। ये तो इंटरनल है, इतना पार्ट पूरा दिखने में तो सिर्फ इतना ही पार्ट दिखता है, बाकी ये सब पार्ट अंदर होता है, ठीक है। तो रियलिटी में हमारी आंखें दिखती, मतलब बाहर से हमारी आंखें ऐसी दिखती है। तो इसे आईलिड कहते हैं, पलकों को आईलिड कहते हैं। और ये जो वाइट पार्ट है इसको कहते हैं स्क्लेरा, राइट, वाइट पार्ट। और ये जो ग्रे ब्लैक जो भी कलर का पार्ट होता है उसे कहते हैं आयरिस, इरिस भी बोल सकते हो। और ये जो ग्रे ब्लैक जो भी है इसके बीच में एक ओपनिंग होती है जिसे कहते हैं प्यूपिल, ठीक है। और ये सब के आगे कॉर्निया होता है। आयरिस, प्यूपिल, इनके आगे एक पतला सा स्किन का लेयर होता है, मेम्ब्रेन होता है मस्क्यूलर, उसे कहते हैं कॉर्निया, ठीक है। मैक्सिमम जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है वो कॉर्निया में हो जाता है, कॉर्निया। ऑलराइट, तो लेट्स सी, एक एक करके देखते हैं ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी बताई, सिलरी मसल्स, आयरिस, प्यूपिल, कॉर्निया, ठीक है। और ये लेंस क्रिस्टलाइन लेंस है। लेंस का पूरा नाम है क्रिस्टलाइन क्योंकि जैसे दाने के जैसे, एक एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, क्रिस्टलाइन। ऑलराइट, फिर स्क्लेरोटिक कोट और कोरोइड, ये सब आगे हम लोग देखेंगे। रेटिना, ऑप्टिक नर्व्स, ऑप्टिक डिस्क, ये ऑप्टिक डिस्क है। और ये आईज को जो होल्ड किए हुए मसल्स है, जिनके थ्रू आईज हमारी होल्ड अप है, उस मसल्स को कहते हैं, ठीक है, वो मसल्स है। सो लेट्स सी, एक एक करके आगे जाते हैं, लाइन टू लाइन रीडिंग देखते हैं ताकि अच्छे से टॉपिक समझ में आ जाए। ऑलराइट, यस, थोड़ा सा अनज़ूम कर लूँ।
और स्क्रीन में फिट नहीं हो रहा है। ऑलराइट, सो लाइन टू लाइन देखते हैं क्या है। देयर इज अ वेरी थिन ट्रांसपेरेंट कवर मेम्ब्रेन ऑन द ह्यूमन आई, दिस इज कॉल्ड कॉर्निया। स्टार्टिंग में ऊपर, सबसे ऊपर एक मेम्ब्रेन का कवरिंग है जिसे कॉर्निया कहा जाता है। देखो डिफरेंट टीचर प्रोनाउंसेस डिफरेंटली, तो डोंट होल्ड मी ऑन प्रोनाउंसिएशन, डोंट ट्राई टू कैच मी के सर आपने इसको ऐसा प्रोनाउंस किया, हमारी टीचर ने तो ऐसा प्रोनाउंस किया था। ऑलराइट, सो थिन मेम्ब्रेन कॉर्निया, लाइट एंटर्स द आईज थ्रू इट, लाइट कॉर्निया से ही सबसे पहले आंखों में एंटर होती है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंसिडेंट लाइट इज रिफ्रैक्टेड इनसाइड द आई एट द आउटर सर्फेस ऑफ कॉर्निया, और सबसे ज्यादा से ज्यादा तो लाइट का रिफ्रैक्शन होता है आई लेंस में भी होता है, लेंसेस में भी रिफ्रैक्शन होता है, लेकिन मैक्सिमम रिफ्रैक्शन कहाँ हो जाता है, कॉर्निया में। देर इज अ डार्क फ्लैशी स्क्रीन बिहाइंड द कॉर्निया, कॉर्निया के पीछे डार्क कलर का, अब वो डार्क ब्लैक डार्क हो सकता है, डार्क ब्राउन हो सकता है, डार्क ग्रे हो सकता है, ग्रे हो सकता है, ब्लू हो सकता है, डिपेंड करता है, ठीक है। फ्लैशी स्क्रीन बिहाइंड दी कॉर्निया, कॉर्निया के पीछे, दिस इज कॉल्ड आयरिस, इसको कहते हैं इरिस और आयरिस, वॉट एवर यू वॉन्ट टू प्रोनाउंस आयरिस। द कलर ऑफ द आयरिस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, अलग अलग लोगों में अलग अलग कलर होता है आयरिस का। नेक्स्ट, देर इज अ स्मॉल होल ऑफ चेंजिंग डायमीटर एट द सेंटर ऑफ आयरिस विच इज कॉल्ड प्यूपिल, आयरिस के सेंटर पे एक ओपनिंग होती है, एक एंट्रेंस होता है, एक होल होता है जहाँ से लाइट आई लेंस में जाती है, ठीक है। आयरिस के बीच में एक छोटी सी ओपनिंग होती है, उसे कहते हैं प्यूपिल। द प्यूपिल कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आईज, प्यूपिल ही कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट आंखों में एंटर होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जब हम ब्राइट लाइट में जाते हैं तो प्यूपिल छोटा हो जाता है ताकि ब्राइट लाइट का कम से कम लाइट हमारी आंखों में घुसे और हमारी आंखों को अफेक्ट करे। जब हम बहुत ब्राइट लाइट में चले जाते हैं अचानक में, तो क्या होता है, प्यूपिल की ओपनिंग कम हो जाती है, आयरिस जो मसल्स है वो प्यूपिल की ओपनिंग को कम कर डालते हैं ताकि कम से कम लाइट अंदर जाए और हमें, हमारी आंखों को उससे कोई अफेक्ट, उसका कोई बुरा असर हमारी आंख पे ना पड़े तेज रोशनी का। उसी तरह से जब हम डीम लाइट में जाते हैं तो प्यूपिल की ओपनिंग बहुत बढ़ जाती है, खुल जाती है, आयरिस मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं और प्यूपिल को ओपन, वाइड ओपन करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट हमारी आंखों में एंटर हो और डीम लाइट में भी हमें क्लियरली दिखाई दे। तो ये फंक्शन है प्यूपिल का, प्यूपिल जो लाइट एंटर हो रही है आंखों में उसको कंट्रोल करती है ज़्यादा कम एक्सेट्रा। तो वापस देखते हैं यहाँ पे, द कलर ऑफ, ये तो हो गया, या देर इज अ स्मॉल होल कंप्लीटेड इरिस, द प्यूपिल कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आईज, प्यूपिल क्या करता है, अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आईज उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। इफ द लाइट फॉलिंग ऑन द आईज इज टू ब्राइट, प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट्स, व्हाइल इफ द लाइट इज डिम इट वाइडेंस। देखो अगर लाइट बहुत तेज है यानी बहुत ब्राइट है तो प्यूपिल क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और कम से कम लाइट अंदर जाएगी, और जब लाइट डिम है तो प्यूपिल वाइड ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट अंदर जाए। ब्राइट लाइट में कम से कम लाइट इसलिए अंदर जाए ताकि रेटिना को इफेक्ट ना पड़े, आंखें खराब ना होगी, ठीक है। ब्राइट लाइट ज़्यादा अंदर गई तो रेटिना को डैमेज कर सकती है। उसी तरह से डीम लाइट में जब लाइट बहुत डीम है उसमें प्यूपिल बहुत वाइड ओपन होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अंदर लाइट जाए और हमें डार्क डीम लाइट में भी हमें क्लियर दिखाई दे। ऑन द सर्फेस ऑफ इरिस देयर इज अ बल्ज ऑफ ट्रांसपेरेंट लेयर, इरिस के सरफेस पे, इरिस के एंड पे ट्रांसपेरेंट लेयर का एक बल्ज है, ठीक है। देयर इज अ डबल कॉन्वेक्स ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस जस्ट बिहाइंड द प्यूपिल, प्यूपिल के जस्ट पीछे क्या है, क्रिस्टलाइन लेंस, ठीक है। वो भी कैसी क्रिस्टलाइन लेंस, डबल कॉन्वेक्स। देखो अंदर आंखों के अंदर ऐसी डबल कॉन्वेक्स, ये है डबल कॉन्वेक्स, ये वन कॉन्वेक्स और ये वन कॉन्वेक्स, डबल कॉन्वेक्स क्रिस्टलाइन लेंस है, लेंस आई लेंस, ठीक है, नेचुरल लेंस जो हमारी आंखों में लगी है प्यूपिल के जस्ट पीछे। कौन सी लेंस है, डबल कॉन्वेक्स ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन मतलब जैसे दानेदार या कुछ जैसे सॉलिड चीज है, ठीक है, एमोर्फस पाउडर फॉर्म में नहीं है, लेंस जस्ट बिहाइंड द प्यूपिल। द लेंस प्रोवाइड स्मॉल एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ टू फोकस द इमेज,
और ये लेंस थोड़ा सा एडजस्टमेंट करती है फोकल लेंथ का, इमेज को एडजस्ट करने के लिए, इमेज पे फोकस करने के लिए। द लेंस क्रिएट रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द स्क्रीन इनसाइड द आईज। और यही लेंस, ये जो आई लेंस है, ये एक रियल और इन्वर्टेड इमेज क्रिएट करती है। रियल मतलब अपोजिट साइड पे, इन्वर्टेड उल्टा इमेज क्रिएट करती है स्क्रीन पर यानी रेटिना पर, आंखों के अंदर। दिस स्क्रीन इज मेड अप ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल। ये जो स्क्रीन है लेंस के पीछे यानी रेटिना, ये क्या है? लाइट सेंसिटिव सेल से बना है एंड इट इज कॉल्ड रेटिना, और इसे रेटिना कहा जाता है। ठीक है। द सेल गेट्स एक्साइटेड व्हेन द लाइट फॉल ऑन देम एंड जनरेट इलेक्ट्रिक सिग्नल। जब लाइट इस पे पड़ती है तो ये सेल्स क्या हो जाते हैं? रेटिना के सेल्स एक्साइटेड हो जाते हैं यानी चार्ज्ड अप हो जाते हैं और इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जनरेट करने लगते हैं। दिस सिग्नल्स आर कन्वेड टू ब्रेन थ्रू ऑप्टिक नर्व्स, और ये सिग्नल ब्रेन तक जाते हैं यूजिंग ऑप्टिक नर्व्स के द्वारा। ये सिग्नल्स जो रेटिना में जनरेट हुए वो ब्रेन तक जाते हैं। लेटर द ब्रेन एनालिसिस दिस सिग्नल्स एंड कन्वर्ट दैम इन सच ए वे दैट वी परसीव द ऑब्जेक्ट एज दे एक्चुअली आर। ठीक है। और फिर ब्रेन उसको अच्छे से डिटेक्ट करता है, उसको प्रोसेस करता है उन सिग्नल्स को, और उसको कन्वर्ट करता है इस तरीके से जैसा हम रियल में ऑब्जेक्ट को देखते हैं। मतलब ऑब्जेक्ट को ब्रेन उस तरह से इंटरप्रेट करता है, ऑल राइट, उन सिग्नल्स के थ्रू। सो दिस इज ह्यूमन आई। अब यहाँ पे जो मैंने कहा वो सब मैं यहाँ पे डायग्राम में एक बार फिर बताता हूँ। मैंने अभी बताया था, मैं फिर बता रहा हूँ ताकि वो चीज़ें, वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखो, ये है कॉर्निया, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन, एक पतला सा मेम्ब्रेन है जो आइस के सबसे आगे टॉप पार्ट पे, मेम्ब्रेन कॉर्निया। कॉर्निया के पीछे फ्लैशी फ्लैशी मटेरियल है, फ्लैशी स्क्रीन है जिसको आयरिस कहते हैं। ये मसल्स ही है आयरिस। ठीक है। फिर आयरिस के जस्ट एंड पे कुछ बल्ब जैसा है, सॉरी, एक ओपनिंग है जिसे प्यूपिल कहते हैं, प्यूपिल। तो यहाँ पे प्यूपिल नहीं लिखा है कहीं पर, बट यहाँ पे लिखा है प्यूपिल। ये रहा प्यूपिल, आयरिस के बीच में एक ओपनिंग है, इरिस के बीच में एक ओपनिंग है जिसे प्यूपिल कहते हैं। तो यहाँ डायग्राम में, या इट्स द प्यूपिल, ये रहा। ठीक है, प्यूपिल, ऑल राइट। फिर आगे आप जाओगे, प्यूपिल के बाद कुछ बल्ब जैसा है, तो उसके बाद एक क्रिस्टलाइन, ये लेंस है, क्रिस्टलाइन एमोर्फस लेंस। मैं पेंसिल से इसको थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ ताकि डायग्राम में दिखा दे। तो ये लेंस है, क्रिस्टलाइन लेंस है, और ये नेचुरल लेंस है, आंखों की लेंस, आई लेंस है ये, और ये नेचुरल है। ठीक है। अच्छा, लेंस इज होल्डेड बाय सिलरी मसल्स, दोनों साइड ऊपर और नीचे। लेंस किससे होल्डेड है? सिलरी मसल्स से। ठीक है। सिलरी मसल्स लेंस को होल्ड किए हुए हैं, ऑलराइट। और फिर पीछे स्क्रीन है, रेटिना। अभी होता कैसा है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट से लाइट हमारी आंखों में आती है तो मैक्सिमम रिफ्रैक्शन कॉर्निया में हो जाता है। ठीक है। और फिर आगे प्यूपिल, प्यूपिल से लाइट एंटर होके लेंस से होके रेटिना तक जाएगी, लाइट कॉर्निया में आएगी, कॉर्निया में रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट, और फिर वो आई लेंस से होके रेटिना तक जाएगी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो प्यूपिल है ये ओपनिंग है, ये होल है जिससे लाइट एंटर होगी आई लेंस में। तो ज़्यादा लाइट, कितनी लाइट एंटर होना चाहिए, ज़्यादा कम, वो प्यूपिल कंट्रोल करेगा। ठीक है। एग्जाम्पल, जब हम लोग अचानक में ब्राइट लाइट में जाते हैं या धूप में जाते हैं, घर से अचानक में निकलते हैं, तो हमारी आंखें थोड़ी देर के लिए क्या कहते हैं उसको, चकाचौंध होती है, या क्या कहते हैं, आंखों में एकदम स्ट्रेन आने लगता है, प्रेशर आने लगता है, और हम आंख बंद करने लगते हैं, तो ये एडजस्टमेंट होते रहता है। उसी तरह से हम ब्राइट लाइट से जब अचानक में घर में आते हैं तो हमें घर में सब कुछ ब्लैक दिखने लगता है, तो वो एडजस्टमेंट होते रहता है। ठीक है। तो ये प्यूपिल एडजस्ट होता है कि कितनी लाइट अंदर एंटर होना चाहिए। और फिर ये जो लेंस है ये भी रिफ्रैक्शन करती है, जो कॉन्वेक्स लेंस है, ये बाईफोकल मतलब दोनों साइड पे कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है। दो साइड से कर्व वाली, और ये भी एडजस्टमेंट करती है और स्क्रीन पे इमेज फॉर्म करती है। ऑल राइट। सो प्यूपिल क्या करता है, कितनी लाइट गिरना चाहिए, और आई लेंस, देखो आई लेंस है ना, ये अपना शेप चेंज कर सकती है। ये जो सिलरी मसल्स है आई लेंस के ऊपर नीचे, ये आई लेंस का शेप चेंज करते हैं, मतलब जब ज़रूरत पड़े तो ये आई लेंस ऐसी बल्ज हो सकती है, बल्ज,
और जब जरूरत पड़े आइलैंड्स आइलैंड्स एलोंगेट हो सकती है। मैं यहाँ डायग्राम ऐसी बता रहा हूँ, अंदर नहीं होगी, यही आइलैंड्स बल शेप की हो सकती है और एलोंगेट भी हो सकती है, फ्लैटेंड भी हो सकती है, एलोंगेट भी हो सकती है, जैसी ज़रूरत हो। ऑलराइट, और फिर ये पूरा विट्रस मटेरियल मतलब अंदर एक फ्लूइड है आइस के अंदर, सिंपल में ये याद रखो। और फिर पीछे रेटिना है जिसपे इमेज फॉर्म होगा। रेटिना के अंदर हाईली सेंसिटिव आइस के सेल्स है जो लाइट सिग्नल पढ़ने पर एक्साइटेड हो जाते हैं और इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करने लगते हैं। ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स नर्व्स के थ्रू ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू ब्रेन तक जाती है और ब्रेन उसको इंटरप्रेट करके सामने जो ऑब्जेक्ट है उसको पहचानता है। ऑलराइट, तो ये पूरी स्टोरी यहाँ पे लिखी हुई है। अभी एग्जाम में अलग अलग टाइप के ब्लर हो रहा है, या इट्स फाइन, ये पूरी स्टोरी यहाँ लिखी है, बट एग्जाम में इसको एक एक पार्ट करके पूछ सकते हैं। जैसे डिफाइन प्यूपिल या व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्यूपिल, तो आप इसमें से फंक्शन निकाल सकते हो कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्यूपिल, इसमें से निकालना है सिंपल, ठीक है। या व्हाट इज द फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शन या व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्निया, तो इसमें से हम लोग उसका फंक्शन देख सकते हैं कि कॉर्निया क्या है, रिफ्रैक्शन करता है या आउटर मोस्ट सरफेस है, एक्सेट्रा, उसके बारे में, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो आंसर्स इसमें ही है, हम लोग इसमें से आंसर्स इजली निकाल सकते हैं। तो आगे फंक्शन आ रहा है आइलैंड्स का और सिलरी मसल्स का। While seeing object at a large infinite distance, the lenses of eye became flat, its focal length increased as shown in the part of the figure 7.12, ठीक है। तो simple, क्या अगर हम कोई infinite यानी कोई दूर की चीज़ देख रहे हैं, तो उस वक्त ciliary muscles relax हो जाते हैं और eye lens जो है वो flat हो जाती है। देखो eye lens proper ये shape की थी, मैं यहाँ draw करके बता रहा हूँ, ये आइलैंड्स का शेप था, ठीक है, बट यहाँ पे आइलैंड्स क्या हो गई, फ्लैट हो गई, यानी ऐसी हो गई, आइलैंड्स फ्लैटेंड हो गई, ठीक है। क्यों फ्लैट होती है आइलैंड्स, ताकि दूर से जो ऑब्जेक्ट दूर से देखा जा रहा है उसका इमेज रेटिना पे पड़े। अगर ऑब्जेक्ट कोई दूर की चीज़ देखी जा रही है, कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, तो इसका इमेज रेटिना पे फॉर्म हो, इसके लिए आइलैंड्स क्या होती है, फ्लैट हो जाती है, फ्लैटेंड। और इसको फ्लैटेंड करने के लिए सिलरी मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, ये रिलैक्स होते हैं तो ये फ्लैट हो जाती है, एज अ रिजल्ट दूर का ऑब्जेक्ट आइस पे पड़ता है, रेटिना पे गिरता है। सेकेंड केस टू, अगर कोई नज़दीक का ऑब्जेक्ट देखने की कोशिश कर रहे हैं हम, तो सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और ये जो आइलैंड्स है, ये जो हमारी आइलैंड्स है जो ऐसे शेप की थी, फ्लैट हो गई थी, अब वो क्या होगी, वो बल्ज हो जाती है, यानी वो राउंड के शेप की हो जाती है, ऐसा कुछ, ठीक है। सो मेरा डायग्राम इतना प्रॉपर नहीं है, मैं जानता हूँ, बट ये दोनों में फ़र्क समझ रहा होगा, ठीक है। ये बल्ज हो गई है और ये फ्लैट हो गई है, और इन दोनों के बीच का स्टेटस आइलैंड्स का होता है, थोड़ा कुछ ऐसा। आइलैंड्स नॉर्मली ऐसी होती है और ये अब बल्ज होके ऐसी थोड़ी सी मोटी हो जाती है और फ्लैट होने के टाइम ऐसी। ये केस में सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, होके प्रेस करते हैं आइलैंड्स को, जिसकी वजह से आइलैंड्स बल्ज हो जाती है, बल्ज मोटी हो जाती है और नियर का ऑब्जेक्ट आँखों के रेटिना पर फॉर्म होता है, ठीक है, नियर बाय ऑब्जेक्ट के लिए और फार अवे ऑब्जेक्ट के लिए, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के लिए। ऑलराइट, नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो यही फिगर बोला गया 7.12 यही फिगर है 7.12 अंडरस्टैंडिंग के लिए। नेक्स्ट, व्हेन वी सी एन ऑब्जेक्ट लार्ज इनफाइनाइट डिस्टेंस द लेंस ऑफ आई बिकेम फ्लैट एंड इट्स फोकल लेंथ इंक्रीज एज शोन इन द पार्ट ऑफ फिगर 7.12 व्हाइल सीइंग नियर बाय ऑब्जेक्ट द लेंस बिकम मोर राउंडेड एंड इट फोकल लेंथ डिक्रीजेस। दूर का देखते वक्त क्या होगी, आई लेंस फ्लैट हो जाती है, लेंस ऑफ आईज फ्लैट हो जाती है और दूर का ऑब्जेक्ट हमें क्लियर दिखाई देता है, इमेज रेटिना पे फॉर्म होता है। और नज़दीक का देखने के वक्त आई लेंस क्या हो जाती है, राउंड हो जाती है, ठीक है। दूर का देखने के वक्त आई लेंस फ्लैट हो जाती है और फोकल लेंथ इंक्रीज होता है, नज़दीक का देखने के लिए आई लेंस राउंड हो जाती है और फोकल लेंथ डिक्रीज होता है, ठीक है।
जिसकी वजह से फिर इमेज पे, इमेज रेटिना पे फॉर्म होता है, हमें नज़दीक का ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देता है। तो ये याद रखना है, आई लेंस दूर का देखने के लिए फ्लैट हो जाती है, दूर का देखने के लिए आई लेंस फ्लैट होएगी, सिलेरी मसल्स रिलैक्स हो गए, फोकल लेंथ इंक्रीज होगा और इमेज रेटिना पे फॉर्म होगा। नज़दीक का देखने के लिए सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, आई लेंस राउंड होगी, फोकल लेंथ डिक्रीज होगा और फिर इमेज रेटिना पे फॉर्म होगा। नेक्स्ट, द कैपेसिटी ऑफ लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ एज पर नीड इज कॉल्ड इज पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो ये डिफाइन आ गया पावर ऑफ एकोमोडेशन का। आई लेंस खुद को एडजस्ट करती है, पावर ऑफ एकोमोडेशन मतलब सेल्फ एडजस्टिंग पावर, पावर ऑफ अकोमोडेशन मतलब सेल्फ एडजस्टिंग पावर, खुद से खुद को एडजस्ट करने वाला पावर। तो आई लेंस खुद से अपना फोकल लेंथ एडजस्ट करती है, इसे कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आईज। आंखें अपने लेंस के हिसाब से, आंखें अपने हिसाब से फोकल लेंथ एडजस्ट करती रहती है आई लेंस का शेप चेंज करके। दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ अकोमोडेशन। द कैपेसिटी ऑफ आई लेंस, ये लेंस की जगह आई लेंस लिखा करो, क्योंकि लेंस एक तो वो जनरल लेंस है ग्लास के लेंस, और यहाँ पे लेंस आई लेंस की बात चल रही, तो किधर भी लेंस में नहीं लिखना है, आई लेंस लिखना है, आई लेंस लिखना है ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। द कैपेसिटी ऑफ आई लेंस टू चेंज इज फोकल लेंथ एज पर नीड, जरूरत के हिसाब से अपना फोकल लेंथ चेंज करने की क्षमता आई लेंस की, इसे कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। ठीक है, आंखों की लेंस की क्षमता जो जरूरत के हिसाब से अपना फोकल लेंथ चेंज करती है, उसे कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। Although elastic lens can change its focal length, ये lens elastic होती है और ये अपना focal length बदल सकती है, to increase or decrease it, ठीक है, अपना focal length बढ़ा सकती है, कम कर सकती है, बदल सकती है, लेकिन उसकी भी एक limit है, but it cannot do so beyond a limit, लेकिन एक limit के बाद वो वैसा नहीं कर सकती, ठीक है। अब वो limit क्या है, देखो यहाँ पे वो limit मिल जाएगा, ठीक है। देखो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक से नज़दीक 25 सेंटीमीटर तक देख सकते हैं। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर से कम करेंगे, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को अपनी आंखों से 25 सेंटीमीटर से कम करीब लाकर देखने कोशिश करेंगे, तो हमारी आंखों में स्ट्रेन आएगा, पेन आएगा, दर्द होगा, ठीक है। मतलब 25 सेंटीमीटर के करीब में अगर हम कुछ देखने की कोशिश करेंगे, जैसे कुछ रीड कर रहे हैं, तो काले अक्षर भैंस बराबर हो जाएंगे, मुहावरा एक, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर लिमिट है, 25 से 25 सेंटीमीटर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशन का लिमिट है, मतलब हम करीब से करीब 25 सेंटीमीटर बिना आंखों में दर्द किए, बिना आंखों पे स्ट्रेन लिए, बिना प्रेशर से हम आसानी से देख सकते हैं 25 सेंटीमीटर दूर डिस्टेंस का। लेकिन 25 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस पे अगर हम कोई चीज़ को लेकर आएंगे, तो उसको देखने के लिए हमारी आंखों पे स्ट्रेन आएगा या हम उसको क्लियरली देख नहीं पाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशन, मिनिमम डिस्टेंस जिससे हम लोग क्लियरली देख सकते हैं। द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ नॉर्मल आईज एट विच इज क्लियरली विजिबल विदाउट स्ट्रेस ऑन आई इज कॉल्ड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशन। तो ये डेफिनेशन हो गया। अभी मिनिमम को लीस्ट भी कहते हैं, तो अगर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशन क्वेश्चन में आया, तो ये नहीं कि सर ने तो पढ़ाया नहीं, ये तो टॉपिक था ही नहीं, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशन पूछा या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशन पूछा, यही डेफिनेशन आएगा। कम से कम दूरी किसी ऑब्जेक्ट की नॉर्मल आंखों से, ताकि वो क्लियरली मतलब एकदम साफ विजिबल दिखाई दे, बिना आंखों पे दर्द के, बिना आंखों पे स्ट्रेस प्रेशर के, ठीक है, इसे कहते हैं मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशन। द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस इज कॉल्ड द नियर पॉइंट ऑफ द आई, और वो पॉइंट पे, वो डिस्टेंस पे जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसे कहते हैं नियर पॉइंट, नियर पॉइंट ऑफ द आई, मतलब सबसे इससे ज्यादा करीब से नहीं देख सकता, वो लास्ट पॉइंट है। फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई द नियर पॉइंट इज 25 सेंटीमीटर। नॉर्मल इंसान की आंखों के लिए जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर है, मतलब ये लास्ट लिमिट है। 24 सेंटीमीटर पे आंखों पे स्ट्रेन आना स्टार्ट होगा, और 23-22 सेंटीमीटर पे आंखों पे स्ट्रेन आना शुरू हो जाएगा और कुछ क्लियर दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो ये आप स्केल से भी ट्राई कर सकते हो घर पे मेजर करने का। उसी तरह से फार्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम, या मैं फारेस्ट कहता हूँ, ठीक है, थोड़ा प्रोनंसिएशन इसमें गड़बड़ दिख रहा है। फारेस्ट मतलब दूर से दूर, मैक्सिमम दूर,
जो दूर का डिस्टेंस है ह्यूमन आई का जो देख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितना दूर का हम लोग आंखों से देख सकते हैं जिससे आंखों पे स्ट्रेन ना हो, तो ये इनफाइनाइट है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। द फारेस्ट डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ ह्यूमन आई एट विच अ क्लियरली विजिबल एट विच इट इज क्लियरली विजिबल विदाउट स्ट्रेस ऑन आई इज कॉल्ड फारेस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। फारेस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन किसको कहते हैं, एकदम कितना मैक्सिमम दूर का ऑब्जेक्ट देख सकते हैं बिना आंखों पे दर्द लिए, बिना आंखों में दर्द हुए ज्यादा से ज्यादा कितने दूर का ऑब्जेक्ट हम लोग देख सकते हैं उसे कहते हैं फारेस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ऑफ ह्यूमन आई। ठीक है, द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड द फार पॉइंट ऑफ द आई, और वो पॉइंट पे जो ऑब्जेक्ट रहेगा जो ज्यादा से ज्यादा दूर मैक्सिमम दूर तक का जो देखने की लिमिट रहेगी उसे कहते हैं फार पॉइंट, वो पॉइंट। और फॉर ए नॉर्मल ह्यूमन आई द फार पॉइंट इज इन्फिनिटी, और फार पॉइंट नॉर्मल आंखों के लिए, नॉर्मल ह्यूमन आंखों के लिए फार पॉइंट इनफाइनाइट है, इसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई फिक्स नहीं है कि 50 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, जैसे लीस्ट डिस्टेंस का 25 सेंटीमीटर है लेकिन फार पॉइंट का कोई लिमिट नहीं है। ऑलराइट, तो जितना दूर तक देख सकते हैं बिना स्ट्रेस की आंखों के उसको कहते हैं फारेस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विद फारेस्ट डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, और वो पॉइंट पे जो ऑब्जेक्ट है उसको वो पॉइंट को कहते हैं फार पॉइंट। नेक्स्ट, अब ये डू यू नो है, मतलब कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। देखो चैप्टर में भी बहुत कुछ ओमिटेड है लेकिन मैं पूरा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट। ठीक है, द आईबॉल इज अप्रॉक्सीमेटली स्पेरिकल एंड हैज अ डायमीटर ऑफ अबाउट 2.4 सेंटीमीटर। हमारी जो आंखें होती है वो स्पेरिकल शेप होती है, ये स्पेरिकल होती है, स्पेरिकल, ये हमारी जो आंखें हैं ये स्पेरिकल शेप है, सर्कल नहीं है, स्पेरिकल है। स्पेरिकल सर्कल में फर्क है, सर्कल रिंग को कहते हैं, स्पेरिकल बॉल जैसा स्ट्रक्चर, तो इसे आईबॉल कहते हैं, आईबॉल। हमारी आंखें स्पेरिकल है और इनका डायमीटर 2.4 है, 2.4 अप्रॉक्सीमेट, अप्रॉक्सीमेट मतलब लगभग, लगभग 2.4 डायमीटर है। ठीक है, द आईबॉल इज अप्रॉक्सीमेटली स्पेरिकल एंड हैज अ डायमीटर ऑफ अबाउट 2.4। द वर्किंग ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आंखों का जो लेंस है, ठीक है, द वर्किंग ऑफ आई लेंस, फिर से लेंस लिखा है, इसको आई लेंस लिखते हैं। आई लेंस ह्यूमन आई में जो आई लेंस है उसका वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बींग के लिए। द लेंस कैन चेंज इट्स फोकल लेंथ टू एडजस्ट एंड सी द ऑब्जेक्ट एट डिस्टेंस, डिफरेंट डिस्टेंस। ठीक है, ये लेंस अपना फोकल लेंथ चेंज कर सकती है, फ्लैट होके, बल्ज होके। ठीक है, ये जो आई लेंस है ये अपना फोकल लेंथ चेंज कर सकती है, एडजस्ट कर सकती है। ठीक है, अलग अलग डिस्टेंस के लिए। इन अ रिलैक्स स्टेट द फोकल लेंथ ऑफ हेल्थी ह्यूमन आईज इज 2 सेंटीमीटर। और रिलैक्स स्टेट में जो फोकल लेंथ है हेल्थी ह्यूमन आई का, वो हेल्थी मतलब कोई डिफेक्ट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आंखों में, ऐसी आंखों का रिलैक्स स्टेट में फोकल लेंथ कितना रहता है, 2 सेंटीमीटर। द अदर फोकस ऑफ आईज इज ऑन रेटिना, और उसका दूसरा जो फोकस होता है वो रेटिना पे फॉर्म होता है, रेटिना पे रहता है। राइट, नेक्स्ट, नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 88। ट्राई टू रीड अ बुक, यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल करने के लिए कहा गया है। बुक को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आंखों से दूर रख के रीड करके देखो कि तुम मैक्सिमम कितना दूर तक रीड कर सकते हो। बुक को अपनी आंखों से दूर रखो, मतलब दूर करते जाओ और फारेस्ट डिस्टेंस तक रीड करने की कोशिश करो, तो तुम्हें पता चलेगा तुम्हारी आंखों का फारेस्ट डिस्टेंस क्या है, फारेस्ट पॉइंट क्या है। फिर ट्राई टू रीड द बुक कीपिंग इट वेरी क्लोज टू योर आईज। अब बुक को 25 सेंटीमीटर से कम अपनी आंखों से एकदम नज़दीक करके रीड करने की कोशिश करो। Try to read the book keeping it at a distance of 25 centimeter from your eyes. A third case 25 centimeter पे रख के book read करो और फिर बताओ तीनों में से कौन से केस में अल्फाबेट क्लियर था, क्यों। राइट, नेक्स्ट, तो ये कर सकते हैं घर पे ट्राई, ईजी है बहुत। नेक्स्ट, डिफेक्ट ऑफ विजन एंड इट्स करेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है। बोर्ड में या तो मायोपिया पूछा जाता है या तो हाइपरमेट्रोपिया, ये दोनों में से एक हर साल पूछा गया है। ठीक है, या तो मायोपिया पूछा गया, जो साल मायोपिया नहीं पूछा गया वो टाइम हाइपरमेट्रोपिया पूछा गया। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आता था, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मायोपिया, स्टेट इट्स करेक्शन एक्सेट्रा। ठीक है, विद डायग्राम, और एक दो बार क्वेश्चन ऐसा आया इसको स्प्लिट करके पूछा था, मतलब व्हाट इज द करेक्शन, व्हाट विच लेंस इज यूज फॉर द करेक्शन ऑफ मायोपिया, डिफाइन मायोपिया, ऐसा पार्ट
पांच क्वेश्चन में डिवाइड करके पूछा गया था, तो अलग अलग स्टाइल में पूछते हैं, बट क्वेश्चन मायोपिया पे रहेगा, मतलब क्वेश्चन यही रहेगा इतने पार्ट में। तो व्हाट इज मायोपिया? मायोपिया का दूसरा नाम है नियर साइटेडनेस, तो ये भी याद रखो, मायोपिया को शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं, नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। ऑलराइट, ऐसा ना हो कि सर ने मायोपिया तो बताया, मायोपिया को नियर साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं। नियर साइटेडनेस मतलब नज़दीक का दिखाई देता है, शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस मतलब करीब का देख सकता है, दूर का क्लियरली दिखाई नहीं देता है, ऐसी प्रॉब्लम को कहते हैं मायोपिया। मायोपिया इज द डिफेक्ट ऑफ विजन, आंखों की एक प्रॉब्लम है जिसमें लोगों को करीब का दिखाई देता है, करीब का दिखाई, क्लोज नियर बाय दिखाई देता है, नियर साइटेडनेस मतलब नज़दीक का दिखाई देता है, ठीक है, बट दूर का दिखाई नहीं देता, दूर का क्लियरली दिखाई, दिखाई तो देगा बट दूर का क्लियर दिखाई नहीं देगा। मतलब अगर आप उनको टाइम पूछोगे बिना स्पेक्स के तो वो आपको टाइम नहीं बता पाएंगे, ऐसा, इसको कहते हैं फास्ट साइटेडनेस, सॉरी नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस मतलब नियर का क्लियर दिखेगा, शॉर्ट साइटेडनेस मतलब नियर का क्लियर दिखेगा, फार का नहीं दिखेगा। तो ये डिस्टिंग्विश में भी पूछा जाता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन नियर साइटेडनेस एंड लॉन्ग साइटेडनेस या मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। तो इन दिस केस द आई कैन बी, द आई कैन सी, देखो कैन सी, आई कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली बट द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट अपीयर इनडिस्टिंक्ट। नज़दीक का ऑब्जेक्ट क्लियर दिखेगा बट दूर का ऑब्जेक्ट इनडिस्टिंक्ट, मतलब मिक्सअप दिखेगा, सेपरेट सेपरेट अलग अलग नहीं दिखेगा, सिंपल वर्ड्स में क्लियरली बट द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट अपीयर्ड अनक्लियर। इनडिस्टिंक्ट का हम लोग ये लिख सकते हैं अनक्लियर, दूर का ऑब्जेक्ट अनक्लियर रहेगा, ठीक है। दिस मीन्स दैट द फार पॉइंट ऑफ द आईज इज नॉट एट इन्फिनिटी बट शिफ्टेड क्लोजर टू आईज। इसका मतलब जिनको ये डिफेक्ट है मायोपिया का, उनका फार पॉइंट इन्फिनिट पे नहीं है बल्कि आंखों के करीब आ गया है, इन्फिनिटी पे उनका फार पॉइंट नहीं है बल्कि आंखों से करीब शिफ्ट हो गया है। इन नियर साइटेडनेस द इमेज ऑफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट फॉर्म इन फ्रंट ऑफ रेटिना। होता क्या है, इमेज रेटिना पे पड़ना चाहिए लेकिन इनके प्रॉब्लम में इमेज रेटिना के आगे फॉर्म्ड होता है, ठीक है। डायग्राम में समझाता हूँ, देखो ये नॉर्मलाइज है, नॉर्मलाइज में फार पॉइंट का ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना पे बन रहा है तो ये नॉर्मलाइज है, ठीक है। ये मायोपियाटिक, मायोपिक आइज है, मायोपिक आइज मतलब जिसके अंदर डिफेक्ट है, जिनको मायोपिया का प्रॉब्लम है उन लोग जब दूर का ऑब्जेक्ट देखते हैं तो इमेज रेटिना पे नहीं बनता है बल्कि रेटिना के पहले ही बन जाता है इमेज, इमेज रेटिना पे फॉर्म होने की जगह रेटिना के पहले बन जाता है, ठीक है। तो ये नॉर्मलाइज है और नियर बाय ऑब्जेक्ट ऐसा फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ये मायोपिक आइज है। और अगर इसको करेक्शन करना है तो कॉनकेव लेंस का चश्मा पहनाना पड़ेगा, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस से जो लाइट आएगी वो डाइवर्ज होगी, पहले डाइवर्ज होगी और फिर हमारी नेचुरल आई लेंस में गिरकर कन्वर्ज होगी और इमेज रेटिना पे फॉर्म होगा। यहाँ पे इमेज रेटिना पे नहीं फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे इमेज रेटिना पे फॉर्म हो रहा है, ये दोनों मायोपिक आइज है लेकिन ये मायोपिक आइज के आगे चश्मा लगा दिया गया है, कॉनकेव लेंस का, कॉनकेव लेंस डाल दी गई है, कॉनकेव लेंस होने की वजह से लाइट डाइवर्ज हो जा रही है, रेस ऑब्जेक्ट से जो लाइट आ रही है वो डाइवर्ज हो रही है और डाइवर्ज होके फिर कन्वर्ज हो रही है, एज अ रिजल्ट इमेज रेटिना पे फॉर्म हो रहा है। और ये मायोपिक आइज है जिसमें लेंस नहीं है तो इमेज रेटिना के पहले ही फॉर्म हो रहा है क्योंकि कन्वर्जिंग बढ़ जाता है, ठीक है। होता क्यों है, इसकी दो वजह, यहाँ पे दो वजह, लेट सी। तो डिफेक्ट तो मैं समझा चुका हूँ, अभी उसकी वजह क्या है यहाँ पे देखेंगे, ऑलराइट। हाँ, तो ये हमने देखा, इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना, देयर आर टू रीजंस ऑफ दिस डिफेक्ट। इसका दो वजह हो सकती है क्यों इमेज रेटिना पे नहीं फॉर्म हो रहा है, इसकी दो वजह हो सकती है, क्या दो वजह हो सकती है, द कर्वेचर ऑफ कॉर्निया एंड द आई लेंस इंक्रीजेस। आई लेंस और कॉर्निया का कर्वेचर बढ़ चुका है इसकी वजह से, द मसल्स नियर द लेंस कैनॉट रिलैक्स सो दैट द कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस रिमेन लार्ज। और जो जो सिलरी मसल्स है वो रिलैक्स नहीं हो पा रहे, इसके लिए कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा ही रहता है, कम नहीं हो पाता, ठीक है। एक ये वजह है, एक ये वजह है, मैं बताऊँ शॉर्ट में कि कॉर्निया सपोज ऐसा है नॉर्मली, सॉरी सपोज नॉर्मल आँखों का कॉर्निया ऐसा है तो जिनका मायोपिया है ना उनमें कॉर्निया ज़्यादा कर्व हो जाता है, ये कर्वेचर है, कर्वेचर, कॉर्निया का कर्वेचर नॉर्मल आँखों में ऐसा है लेकिन मायोपिया वालों की आँखों में कर्वेचर ऐसा होता है। या तो फिर आई लेंस,
आई लेंस नॉर्मल आंखों में ऐसी रहती है, लेकिन जिनका मायोपिया है उनकी आंखों में आई लेंस ऐसी हो जाती है, ठीक है। यानी ये जो कर्व पार्ट है ना वो बढ़ जाता है आई लेंस का मायोपिक आइज में। ऑलराइट, सो ये दोनों में से कोई भी एक वजह, फर्स्ट रीजन ये दोनों में से कोई भी एक वजह है, ठीक है। या तो कॉर्निया का कर्वेचर बढ़ गया है, या तो आई लेंस का कर्वेचर बढ़ गया है, और या तो सिलरी मसल्स रिलैक्स नहीं हो पा रहे हैं जिसकी वजह से कन्वर्जिंग पावर उतना ही है, ठीक है, मतलब कम नहीं हो पा रहा, एक ऑप्शन, एक प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम, इनके या तो आई बॉल एलोंगेट हो जाते हैं। देखो आई बॉल, ये जो पूरा आई बॉल है, आई बॉल ये स्पेरिकल होता है नॉर्मल आंखों में, लेकिन जो मायोपिक रहता है उनका जो आई बॉल है स्पेरिकल की जगह ऐसा एलोंगेट हो जाता है, आई बॉल स्पेरिकल की जगह एलोंगेट हो जाता है, ठीक है। ये स्पेरिकल आई बॉल है, और जिनका मायोपिया है उनका आई बॉल थोड़ा सा एलोंगेट हो जाता है, जिसकी वजह से इमेज ऐसा होना चाहिए था स्पेरिकल, लेकिन ये एलोंगेट हो गया, तो इमेज इमेज रेटिना की जगह रेटिना के आगे फॉर्म होता है। तो दूसरा रीजन, आई बॉल का शेप चेंज हो गया, द आई बॉल एलोंगेट सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड रेटिना इंक्रीज। ये दो वजह हैं जिसकी वजह से इनको मायोपिया का प्रॉब्लम होता है, मतलब दूर का ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई नहीं देता है, दूर का ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली दिखाई नहीं देता है और इनडिस्टिंक्ट रहता है, और नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियर रहता है, ठीक है। नियर बाय का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दूर का प्रॉब्लम रहता है, इसके लिए इसको मायोपिया कहते हैं, या शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस कहते हैं, ठीक है। अब इसका इलाज क्या है, अगर किसी को मायोपिया का प्रॉब्लम है तो उसको क्या सल्यूशन है, तो उसका सल्यूशन क्या है, तो द डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड, द डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग स्पेक्टिकल्स, चश्मा विद अ कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस का चश्मा पहनकर ये इसका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ऑफ प्रॉपर फोकल लेंथ, प्रॉपर फोकल लेंथ का कॉनकेव लेंस का चश्मा पहनकर प्रॉब्लम सॉल्व होगी। दिस लेंस, देखो दिस यानी दिस कॉनकेव लेंस, यहाँ पे दो दो बार लेंस आ रहा है तो कंफ्यूज ना हो, इसके लिए मैंने सी लिख दिया। दिस कॉन्केव लेंस डाइवर्ज द इंसिडेंट रे एंड दिस डाइवर्ज रे कैन बी कन्वर्ज बाय द लेंस इन द आईज, ठीक है। ये कॉन्केव लेंस क्या करेगा, इंसिडेंट रे को डाइवर्ज करेगा, यानी डाइवर्ज कर रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है ये रेज आ रही है पैरेलल, और फिर यहाँ पे डाइवर्ज हो गई, यहाँ पे डाइवर्ज हो गई, डाइवर्ज, ठीक है, पैरेलल आ रही थी लेकिन अब यहाँ पे डाइवर्ज हो गया, फिर आगे आई लेंस पे पड़ते ही कन्वर्ज हो रही है, स्पेक्टिकल्स के कॉनकेव लेंस पे गिर के डाइवर्ज हो रही है, डाइवर्ज, और फिर आई लेंस पे गिर के कन्वर्ज हो रही है। ऑलराइट, डाइवर्ज फर्स्ट वीडियो में मैं बता चुका हूँ क्या है, फर्स्ट और सेकंड वीडियो में। ऑलराइट, थस फिर आई लेंस पे गिर के कन्वर्ज हो रही है टू फॉर्म द इमेज ऑन रेटिना, फाइनली इमेज कहाँ बन रहा है, आप रेटिना पे। द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव, हमेशा कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव रहता है, ठीक है। सो द लेंस विथ नेगेटिव पावर इज रिक्वायर्ड फॉर करेक्टिंग नियर साइटेडनेस, इसके लिए नियर साइटेडनेस को कौन सा काय का चश्मा लगता है, माइनस का चश्मा। देखो आप चश्मा बनाने जाओगे तो आप चश्मे वाला आपको जो भी है नंबर देगा और वो नेगेटिव या पॉजिटिव में रहेगा, किसी का नंबर -5 होता है, किसी का -2 होता है, -1 होता है, -9 होता है, एक्सेट्रा, -.समथिंग होता है, -1.समथिंग, 2.समथिंग। तो नेगेटिव है मतलब कॉनकेव लेंस, नेगेटिव है मतलब नज़दीक का दिखाई देता है, दूर का क्लियरली दिखाई नहीं देता है। देखो लास्ट ईयर बोर्ड में एक क्वेश्चन था ऐसा ही, लास्ट ईयर नहीं, लास्ट टू लास्ट ईयर, कि अनीता को दूर का क्लियर दिखाई नहीं देता तो उसका प्रॉब्लम क्या है, और उसको कौन सा चश्मा दिया जाएगा। तो आंसर था, सॉरी, अनीता को दूर का दिखाई नहीं देता है, उसके लिए आंसर था उसका प्रॉब्लम है मायोपिया यानी नियर साइटेडनेस, और उसको जो चश्मा दिया जाएगा वो नेगेटिव पावर का था, ऐसा दिया था कि नेगेटिव पावर का उसको चश्मा दिया जाएगा कॉनकेव लेंस वाला। ऑलराइट, फिर एक क्वेश्चन ऐसा था कि अनीता को या जो भी इस नाम किसी का भी था, और था कि नेगेटिव पावर का चश्मा पहनती है तो उसका लेंस कौन सा है, कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। अनीता वेयर स्पेक्टिकल्स ऑफ नेगेटिव पावर, तो व्हाट इज द स्पेक्टिकल्स, व्हाट इज द लेंस ऑफ इट स्पेक्टिकल्स, उसके स्पेक्टिकल्स चश्मे के लेंस कौन से है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, तो नेगेटिव है तो कॉनकेव रहेंगे, ठीक है। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर आस्क्ड, इसके लिए रट्टा मारना फायदा नहीं है, बल्कि समझना बहुत जरूरी है।
और समझने के लिए पूरा वीडियो लास्ट तक देखो। देखो इसके पहले के ये चैप्टर के दोनों वीडियो मैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में ऐड कर चुका हूँ। इसके अलावा अब तक मैंने जो भी चैप्टर पढ़ा है, अराउंड साइंस के 7-8 चैप्टर्स हो गए हैं, उसके सारे वीडियो साइंस वन की प्लेलिस्ट में है जो मेरे चैनल में है। चैनल में प्लेलिस्ट में आप जाओगे चैनल को सब्सक्राइब करके, तो प्लेलिस्ट में सारे सब्जेक्ट के वीडियो प्रॉपर सिक्वेंस में है चैप्टर वाइज, तो वहाँ पर जाकर ईजिली पढ़ाई कर सकते हैं। मतलब सिक्वेंस में सारे चैप्टर्स के वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अभी शेयर कर दो, बाद में भी कर सकते हैं लेकिन पहले शेयर कर दो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, और किया है तो बेल आइकन भी प्रेस कर दो, आधा काम मत करो। बेल आइकन प्रेस करना इसके लिए क्या कि अगला वीडियो आते ही नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। और शेयर द ये वीडियो को शेयर करो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप के थ्रू, और जो भी है फेसबुक व्हाट्सएप एक्सेट्रा टेलीग्राम, जहाँ भी आप इसको शेयर कर सकते हो 10th स्टैंडर्ड, ताकि सबका फ़ायदा हो। ऑलराइट, सो हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट। या द पावर ऑफ द लेंस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट आइज डिपेंडिंग ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर नियर साइटेडनेस। अभी पावर अलग अलग लेंस का अलग अलग पावर होता है, ठीक है, डिपेंड करता है अलग अलग आँखों पर, और क्या मैग्नीट्यूड है मायोपिया का, मतलब कितना ज़्यादा मायोपिया प्रॉब्लम है, यानी उसका मैग्नीट्यूड क्या है मायोपिया का। मायोपिया को नियर साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं। एक बार बोर्ड में ये क्वेश्चन था, डिस्टिंग्विश बिटवीन शॉर्ट साइटेडनेस एंड लॉन्ग साइटेडनेस, तो बहुत सारे बच्चों को समझ में ही नहीं आया क्या है और उन्होंने छोड़ दिया। हालांकि शॉर्ट साइटेडनेस नियर साइटेडनेस को कहते हैं और लॉन्ग साइटेडनेस फार साइटेडनेस को कहते हैं, तो उसमें ही वो कन्फ्यूज हो गए। एक बार बोर्ड में ऐसा ब्लैंक्स भी था, द अदर नेम फॉर नियर साइटेडनेस, या ऐसा कुछ था द अदर नेम फॉर फार साइटेडनेस इज डैश, तो जिन्होंने रट्टा मारा था और समझा नहीं था उन्होंने स्किप कर दिया, छोड़ दिया, और जो समझ के पढ़े थे उनको वो इजी लग रहा था। नेक्स्ट, फार साइटेडनेस एग्जैक्टली अपोजिट है नियर साइटेडनेस का। नियर साइटेडनेस नज़दीक का क्लियर दिखता है, दूर का नहीं। फार साइटेडनेस दूर का क्लियर दिखाई देता है, नज़दीक का क्लियर दिखाई नहीं देता, उसे कहते हैं फार साइटेडनेस, ठीक है। जूम कर लूँ, फार साइटेडनेस को लॉन्ग साइटेडनेस भी कहते हैं। इन दिस डिफेक्ट द ह्यूमन आइज कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैनॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। दूर का क्लियरली देखेगा बट नज़दीक का डिस्टिंक्टली नहीं देख पाएगा। दिस मीन्स दैट द नियर पॉइंट ऑफ द आइज इज नो लॉन्गर एट 25 सेंटीमीटर बट शिफ्टेड फर्दर अवे। इसका मतलब जो नज़दीक का पॉइंट है 25 सेंटीमीटर, कम से कम देखने का डिस्टेंस, वो इनका आँखों का 25 नहीं रहता है बल्कि इससे बढ़ चुका रहता है, ठीक है। आज शोन इन फिगर द इमेज ऑफ नियर बाय ऑब्जेक्ट गेट फॉर्म बिहाइंड द रेटिना। जैसा कि इमेज में देख सकते हो, इमेज रेटिना पे नहीं बनता है बल्कि रेटिना के पीछे कहीं फॉर्म होगा, ठीक है। मतलब इमेज बनता ही नहीं यहाँ पे, रेटिना पे क्लियर इमेज फॉर्म ही नहीं होता है। अगर हम आगे इमेजिन करेंगे तो रेटिना के बिहाइंड में इमेज बन सकता है। तो ये नॉर्मल आँखों का है, दूर से देख रहे हैं तो बराबर रेटिना पे इमेज बन रहा है दूर के ऑब्जेक्ट का, बट जब वो नज़दीक का ऑब्जेक्ट देख रहा है तो रेटिना, ये इमेज आइस का है जो दूर के ऑब्जेक्ट के लिए, इमेज रेटिना पे फॉर्म हो रहा है नॉर्मली। ये इमेज हाइपरमेट्रोपिक आइस का है कि नज़दीक का ऑब्जेक्ट रेटिना पे इमेज नहीं फॉर्म्ड हो रहा है, नियर बाय ऑब्जेक्ट देखा जा रहा है तो इमेज रेटिना पे फॉर्म नहीं हो रहा है, रेटिना के बैक में फॉर्म हो रहा है। और ये उसका करेक्शन है, अगर कॉन्वेक्स लेंस यूज़ की गई तो नज़दीक का इमेज पहले कन्वर्ज होगा और फिर आई लेंस पे पास होने कर फिर और कन्वर्ज होगा और फाइनली इमेज रेटिना पे फॉर्म होगा। ऑलराइट, अच्छा इसका रीज़न क्या है, क्यों होता है ये फार साइटेडनेस यानी लॉन्ग साइटेडनेस हाइपरमेट्रोपिया, ये प्रॉब्लम क्यों होता है। कर्वेचर ऑफ कॉर्निया एंड द आई लेंस डिक्रीजेस सो दैट द कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस बिकम लेस। इसका एक रीज़न ये है कि कॉर्निया जिसका कर्व सपोज इतना है तो ये कर्व कम हो जाता है, कर्व इतना कर्व है नॉर्मल तो ये कर्व डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, कॉर्निया का। या फिर आई लेंस जिसका कर्व जो इतना बल्ज है आई लेंस, ये और फ्लैट हो जाता है। आई लेंस क्या हो जाता है, ऐसा फ्लैट हो जाता है, ठीक है, नीचे ड्रॉ करता हूँ, दिस वन इज नॉट फाइन, आई लेंस फ्लैट हो जाता है थोड़ा, तो कर्विंग पावर जो इसका कर्वेचर है वो डिक्रीज हो जाता है कॉर्निया का, या फिर आई लेंस का कर्वेचर डिक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से उनका कन्वर्जिंग पावर कम हो जाता है। एज अ रिजल्ट इमेज रेटिना पे नहीं फॉर्म होता बल्कि रेटिना के बिहाइंड फॉर्म होगा।
दूसरा एक और रीजन है आईबॉल फ्लैटन हो जाता है, आईबॉल गेट्स, दूसरा रीजन है आईबॉल फ्लैटन हो जाता है। आईबॉल क्या होता है? आईबॉल फ्लैटन हो जाता है, मतलब आईबॉल जो स्फेरिकल है वो ऐसे शेप का हो जाएगा। आईबॉल जनरली स्फेरिकल शेप का है, हाइपरमेट्रोपिया में आईबॉल फ्लैटन हो जाएगा, ये आईबॉल है, ठीक है। सो आईबॉल क्या हो जाएगा? फ्लैट हो जाएगा। देखो मायोपिया में आईबॉल स्फेरिकल से एलोंगेट होगा, दिस इज कॉल्ड एलोंगेशन। ऑलराइट, तो एलोंगेट होगा, फ्लैटन होगा, तो ये हाइपरमेट्रोपिया का प्रॉब्लम है, हाइपरमेट्रोपिया। और ये मायोपिया में, हाइपरमेट्रोपिया में आईबॉल फ्लैटन हो जाता है, ठीक है। फ्लैटन मतलब ऐसा कुछ। तो ये दोनों में से कोई भी एक वजह हो सकती है जिसकी वजह से नज़दीक का इमेज दिखाई, मतलब नज़दीक का ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई नहीं देगा। ये दोनों में से कोई भी एक वजह हो सकती है हाइपरमेट्रोपिया की। ऑलराइट, सो यहाँ पे डायग्राम है और ये करेक्शन है। तो करेक्शन के लिए कौन सा लेंस यूज हो रहा है? कॉन्वेक्स लेंस। देखो समझना बहुत ज़रूरी है, रट्टा नहीं मार सकते, क्लियर वर्ड्स में बता रहा हूँ। सो डोंट एवर थिंक ऑफ दैट, सोचो भी मत कि मैं इसको बाहट कर लूँगा। हाँ बाहट करना है बट समझ के, तो ज़्यादा अच्छा है, अदरवाइज वेस्ट ऑफ टाइम। नेक्स्ट, दिस डिफेक्ट्स कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस यूज करके ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है विथ प्रॉपर फोकल लेंथ। कॉन्वेक्स लेंस विथ प्रॉपर फोकल लेंथ यूज करके ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। जूम नहीं हो रहा है, लेट मी सी। या दिस लेंस, अब यहाँ पे दिस यानी दिस कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज द इंसिडेंट रे बिफोर दे रीच द आई लेंस। ये लेंस मतलब ये कॉन्वेक्स लेंस जो आगे स्पेक्टिकल्स में लगाई जाएगी, चश्मे में, ये कन्वर्ज करती है इंसिडेंट रे को इसके पहले के वो आंखों की लेंस को पहुंचे। तो यहाँ पे लेंस कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैंने यहाँ लिख दिया कॉन्वेक्स लेंस, और ये आई लेंस है, ई लेंस मतलब आई लेंस। द आई लेंस हैज कन्वर्ज देम टू फॉर्म द इमेज ऑन द रेटिना। फिर आगे आई लेंस उसको कन्वर्ज करेगी ताकि इमेज रेटिना पे फॉर्म हो। द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, थस द स्पेक्टिकल यूज्ड टू करेक्ट फार साइटेडनेस हैज पॉजिटिव पावर। देखो याद रखो ये भी, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव रहता है, मतलब फार साइटेडनेस के लिए जो लेंस लगती है उसका पावर पॉजिटिव होता है। द पावर ऑफ दिस लेंस इज डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंड ऑफ फार साइटेडनेस। और फिर कितना, मतलब कितना फार साइटेडनेस है, कितना दूर का क्लियर दिखाई नहीं देता, उसके हिसाब से उसका पावर चेंज होता रहता है। यानी जिसका भी चश्मे का नंबर पॉजिटिव रहेगा, प्लस 5, प्लस 6, प्लस 2, प्लस 1.5, प्लस 3.7, जो भी प्लस में रहेगा उसको कहते हैं, उसको कौन सा चश्मा है? कॉन्वेक्स लेंस। यानी उसको दूर का दिखाई देता है, नज़दीक का दिखाई नहीं देता, ठीक है। मैंने यहाँ गलती से बोल दिया, पावर ऑफ लेंस इज डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंड ऑफ फारसाइटेडनेस। मतलब कितना फारसाइटेडनेस है, फारसाइटेडनेस मतलब कितना नज़दीक का क्लियर नहीं दिखाई देता है, उस पर डिपेंड करता है पावर। ऑलराइट, सो मैंने अभी करेक्शन किया है, लास्ट लाइन मैंने थोड़ा सा मिस्टेकन, मतलब गलती से बोला था, वो करेक्शन है। नज़दीक का कितना क्लियर नहीं दिखाई देता है उसके ऊपर उसका पावर निर्भर करता है, और उसको करेक्शन करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस यानी पॉजिटिव पावर वाले लेंस। नेक्स्ट, मतलब नज़दीक का क्लियर नहीं दिख रहा है तो प्लस वाला चश्मा होगा, और किसी को दूर का क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो उसके लिए माइनस वाला चश्मा। पॉजिटिव पावर कॉन्वेक्स लेंस, नेगेटिव पावर कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी पॉजिटिव पावर कॉन्वेक्स लेंस, नेगेटिव पावर कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस, ठीक है। नेगेटिव कॉन्केव लेंस, पॉजिटिव कॉन्वेक्स लेंस। सो कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए आई एम क्लियरली सेइंग। लास्ट थर्ड, प्रेसबायोपिया। दूर का क्लियर नहीं दिखता है, नेगेटिव पावर कॉन्केव लेंस। नजदीक का क्लियर नहीं दिखता है, पॉजिटिव पावर कॉन्वेक्स लेंस। ये दो बेसिक चीज याद रखो, बस पूरा इजिली याद रहेगा। थर्ड इज प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया अब ये कैसा है, एज के हिसाब से लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम अराइज होती है। कुछ लोग रहते हैं जिनको नजदीक का भी क्लियर नहीं दिखाई देता है, दूर का भी क्लियर नहीं दिखाई देता है, तो ऐसे लोगों को डबल लेंस वाला चश्मा पहना जाता है। मतलब मतलब वो एक ही लेंस में दो दो, एक ही चश्मे में, एक ही स्पेक्टिकल्स में दो दो लेंस लगी रहती है, ऊपर कॉन्केव रहती है और नीचे कॉन्वेक्स, ऊपर दूर का देखने के लिए नीचे नजदीक का, उसको कहते हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स को कहते हैं प्रेसबायोपिया। जनरली द फोकसिंग पावर ऑफ आई लेंस डिक्रीजेस विद एज।
उम्र के हिसाब से ये प्रेसबायोपिया मोस्टली बूढ़े लोगों में पाया जाता है। एज के हिसाब से लेंस का फोकस पावर कम हो जाता है। एज के हिसाब से आईज के मसल्स वीक हो जाते हैं, एज अ रिजल्ट आई लेंस का जो फोकस का पावर है वो कम हो जाता है। द मसल्स नियर द लेंस लूजेस द एबिलिटी टू चेंज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। जो मसल्स रहते हैं आंखों में वो फोकल लेंथ की कम ज़्यादा करने की, बदलने की एबिलिटी खो देते हैं। द नियर पॉइंट ऑफ द लेंस शिफ्ट फादर देन द आईज बिकॉज ऑफ ओल्ड पर्सन कैनॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली। ठीक है, और नियर पॉइंट बहुत आगे चला जाता है, उसी तरह से फार पॉइंट भी उनको कभी कभी करीब आ जाता है। ठीक है, मतलब दोनों टाइप की प्रॉब्लम होती है। फार पॉइंट के बारे में नहीं लिखा है, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। ये प्रॉब्लम ज़्यादातर ओल्ड लोगों में होती है और उनको नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिखाई देता है, इवन फार अवे ऑब्जेक्ट भी क्लियरली दिखाई नहीं देता है, क्योंकि लेंस का कन्वर्जिंग और बोलते हैं ना कन्वर्जिंग पावर, लेंस का जो कर्वेचर है वो चेंज नहीं हो पाता, फिक्स रह जाता है, मतलब मसल्स रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होने में प्रॉब्लम होती है। समटाइम पीपल सफर्स फ्रॉम नियर साइटेडनेस एज वेल एज फार साइटेडनेस। कभी कभार लोग नियर साइटेडनेस और फार साइटेडनेस दोनों प्रॉब्लम्स जूझ रहे होते हैं। इन सच केस बाइफोकल लेंसेज आर रिक्वायर्ड टू करेक्ट द डिफेक्ट। ऐसे हालात में, ऐसे कंडीशन में क्या यूज किया जाता है? बाइफोकल लेंसेज, मतलब दोनों टाइप का लेंसेज स्पेक्टेकल में यूज होता है। इन सच लेंसेज द अपर पार्ट इज कॉन्केव लेंस एंड करेक्ट नियर साइटेडनेस वाइल द लोअर पार्ट इज कॉन्वेक्स लेंस विच करेक्ट द फार साइटेडनेस। ठीक है, इसमें ऊपर के हिस्से में कॉन्केव लेंस लगी रहती है जो नियर साइटेडनेस यानी मायोपिया यानी दूर का देखने के लिए होती है। ठीक है, और नीचे के पार्ट में क्या रहता है? कॉन्वेक्स लेंस क्या करेक्शन के लिए रहती है? हाइपरमेट्रोपिया यानी फार साइटेडनेस यानी नजदीक का देखने के लिए। ठीक है, देखो फार साइटेडनेस मतलब दूर का क्लियर दिखाई देता है, नजदीक का प्रॉब्लम है, और नियर साइटेडनेस मतलब नजदीक का क्लियर दिखाई देता है, दूर का प्रॉब्लम है। इसमें नाम में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, इसके लिए मैं बार बार उसको समझा रहा हूँ। नियर साइटेडनेस मीन्स नजदीक का दिखाई देता है, दूर का देखने में प्रॉब्लम है, और फार साइटेडनेस मतलब दूर का दिखाई देता है, नजदीक का क्लियर दिखाई नहीं देता है। राइट, तो यहाँ पे मैं वीडियो एंड अप कर रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर करो। ठीक है, और जो लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन भी प्रेस कर दो ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। मैं किसी को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहता हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो ऑटोमेटिकली लोग सब्सक्राइब करेंगे ही, और वीडियो बकवास है तो कोई सब्सक्रिप्शन नहीं आएगा, आई नो दैट, लेकिन शेयर ज़रूर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचे, सबको इससे फ़ायदा हो। थैंक यू।